ईमान साहब हमारे कैंडिडेट हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने एमपी का इलेक्शन लड़ा, हम तमाम ने कोशिश की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का और आप तमाम का जिन्होंने हमारे हक में, हमारे उम्मीदवार के हक में वोट दिया, उनको कामयाबी नहीं मिली। आज अख्तर भाई हमारे बिहार के सदर यहां से बहसियत उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील कर रहा हूं कि आज बिहार की विधानसभा में ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिहार की विधानसभा में जाकर ना सिर्फ बिहार के गरीब मजलूम आवाम की आवाज को उठाए, बल्कि सीमांचल की इस इलाके में बसने वाले जिनकी आवाज को पटना नहीं सुनता है। आज पटना में जो लोग बैठते हैं वो सीमांचल के ताल्लुक से अंधे बहरे गूंगे हैं। इन अंधे बहरे और गूंगों को अख्तरुल ईमान के रूप में पटना में एक आवाज उठेगी जो सीमांचल के तड़पते हुए नौजवानों के दिलों में जो आवाज है, जो हमारी माँ और बहनों के दिलों में जो ख्वाब है, जो हमारे बुजुर्गों में जो आंसू है, उसकी तर्जुमानी करने का काम इंशाअल्लाह ताला मजलिस का हर उम्मीदवार जो सीमांचल से लड़ रहा है। पटना में इनकलाब आएगा, पटना में सीमांचल का जलजला आएगा, पटना की कुर्सी पर जो कुछ बैठेगा उसको हम उस वक्त तक चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक के सीमांचल की जमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं किया जाए। इसीलिए हमारा हर जलसे में नारा होगा कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके पास एक बेहतरीन वक्त आ रहा है कि आप इसका सही फैसला लेकर अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं सीमांचल की आवाम से कि इंशाअल्लाह ताला हर एक आदमी तक सड़क होगी और बाढ़ से निजात होगी इंशाअल्लाह ताला। हर एक आदमी के लिए सड़क होगी और बाढ़ से निजात होगी। और जब अख्तर भाई जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके वोट और दुआओं से, जब शाहनवाज जीत जाएंगे, जब मजलिस कार्यबल जीत जाएगा, तो जब वो जीत कर आएंगे आपकी जबान से कुछ नहीं निकलेगा, आप से बोलेंगे कि आपकी पार्टी का नारा था हर एक आदमी तक सड़क बाढ़ से निजात, काम शुरू करो और काम शुरू होगा इंशाअल्लाह। अब ये बात कांग्रेस और जेडीयू के या फिर आरजेडी के जलसों से नहीं बोलेंगे, लफ्ज सीमांचल बोलने से उनको पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अब तुम्हारा दर्द बढ़ेगा क्योंकि जहां कहीं तुम जा, तुमको जेडीयू कांग्रेस आरजेडी बीजेपी का दिखेगा। आप सिर्फ कुछ नहीं कहना, उनको देखते ही नारा मारना सीमांचल, सीमांचल। बस इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब हवा कुछ और है यहां पर, अब हवा का रुख बदल चुका है, अब इंसाफ मिलेगा, अब हम इंसाफ हासिल करेंगे। आप बताइए कि जिस विधानसभा से अख्तरुल ईमान इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पर बारहवीं, इधर देखो यहां हीरो यहां खड़ा है, अभी वोट टाइम है, बारहवीं जमात तक, बारहवीं जमात का एक ही स्कूल, एक स्कूल हमारे बच्चियों को डिग्री हासिल करने के लिए 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। कहां डिग्री मिलेगी, कहां हमको फायदा होगा? और बताओ क्या तुमने अमूर में कोई कारखाना बनाया? इतने साल से अमूर की जनता ने तुमको विधायक बनाया, एमएलए बनाया, तुमने कारखाना बनाया? नहीं बनाया। फिर आप ये भी देख लीजिए कि अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, बीमार होते हैं, इलाज नहीं होता है। तो ये चार काम बड़े अहम है, एक तो हर एक आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, फ्लड आएगा तो मुआवजा मिलेगा, बच्चियों के लिए स्कूल और डिग्री कॉलेज, कारखानों की दावत देना, कारखानों को गवर्नमेंट को बोलकर यहां पर कायम कराना,
सही अस्पताल हो, ताकि उसमें डॉक्टर हो, दवाएं हो, ये चार काम करने के लिए, ये चार काम हम करेंगे। किसके लिए? हमको चांद पर जाकर खाक नहीं लाना है। यहां जिस किसी की हुकूमत बनेगी, जो कोई भी पटना में बैठेगा, हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो याद रखो, अगर मुख्यमंत्री इंशाल्लाह उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाएंगे, और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लाखों लोगों को लेकर पटना जाकर बैठ जाएगा, जब तुमको सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।